हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारी जो स्किन है वो एज फ्री दिखाई देनी चाहिए। हम सभी चाहते हैं कि हमारे चेहरे पर जो एजिंग के सिम्टम्स हैं, रिंकल्स, फाइन लाइंस, ओपन पोर्स जैसी चीजें, वो हमारे चेहरे पर नहीं दिखाई देनी चाहिए। और इन सब के लिए हम बहुत सारे प्रयास भी करते हैं, लेकिन ये सारे प्रयास हम करते हैं स्किन के ऊपर से, जिसकी वजह से बहुत बार जो उसका रूट कॉज होता है, मतलब कि कॉलेजन और इलास्टिन के प्रोडक्शन की कमी, वो ठीक नहीं हो पाती है। सो आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे DIY स्किन टोनर के बारे में, जिसे सिर्फ 3 चीजों को मिला करके आप अपने घर में अच्छे से तैयार कर पाएंगे। और इस टोनर को अगर आप दिन में 3 बार अपने चेहरे पर अप्लाई करते हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी स्किन के अंदर जो कोलेजन का प्रोडक्शन है वो इतना ज्यादा होने लगेगा, जिसकी वजह से आपकी स्किन में कसाव आएगा, और इस कसाव को देख करके आप डेफिनेटली यकीन नहीं कर पाएंगे। और ये ना सिर्फ मेरा दावा है बल्कि एक गारंटी भी है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स को जब मैंने अपने इस DIY फेस टोनर के बारे में बताया और उन्होंने इसे ट्राई किया, तो उन्हें बेहतरीन रिजल्ट्स मिले हैं। सो अब बारी है आपकी इस टोनर की रेसिपी को जान करके, इस टोनर को बना करके अपने रूटीन में शामिल करने की। इस टोनर को किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति अप्लाई कर सकता है, और कैसे इसे बनाना है, कैसे इसे अप्लाई करना है, कब इसे अप्लाई करना है, कैसे हम इसे प्रिजर्व कर सकते हैं, यही सब कुछ है आज के इस वीडियो का एजेंडा। सो मेक श्योर कि अगर आप भी अपनी स्किन से प्यार करते हैं और आप भी अपनी एज से 10 साल तक छोटा दिखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पसंद आता है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमाथेरेपिस्ट, एक नेचुरल थेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो को आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं स्किन के अंदर होने वाली एजिंग प्रोसेस की, तो इंटरनली हमें एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि एजिंग का मतलब है कि आपकी स्किन के अंदर जो नेचुरल प्रोटीन्स हैं, जो आपकी स्किन को टाइट करके रखते हैं, अब उनका प्रोडक्शन, अब उनकी बनने की प्रक्रिया आपकी स्किन में धीमी पड़ गई है। और ये प्रोटीन जो है ये कहलाते हैं कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन। कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन को बेहतर बनाने के लिए हम बहुत सारे प्रयास करते हैं, हम बहुत सारी डाइट लेते हैं, बहुत सारे सिंथेटिक कोलेजन जो बूस्टर ड्रिंक्स होती हैं उनको लेते हैं, लेकिन स्किन के ऊपर से भी आप लगा करके अपने कोलेजन को बूस्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और उसमें मदद करेगा आपका ये DIY कोलेजन बूस्टर टोनर। जी हाँ दोस्तों, अब इसे बनाना कैसे? सो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 ग्लास पानी। पानी के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों होते हैं, और पानी क्योंकि किसी भी टोनर को बनाने के लिए एक बेस कंपोनेंट माना जाता है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर 1 ग्लास पानी का लेना जरूरी है। इस पानी के अंदर अब हमें मिक्स करने हैं लगभग 3 टेबलस्पून पंपकिन सीड्स। पंपकिन सीड्स या कद्दू के बीज जिसे हम बोले, उसके अंदर ल्यूकेन नाम का एक एंजाइम होता है, और ये ल्यूकेन नाम का एंजाइम हमारी स्किन के ऊपर जब लगाया जाता है तो ये स्किन के नीचे उतर जाता है, क्योंकि इस एंजाइम का मॉलिक्यूलर साइज हमारी स्किन के पोर के साइज से कई गुना छोटा होता है। और ये ल्यूकेन नाम का एंजाइम जब हमारी स्किन के अंदर चला जाता है, तो ये अंदर जाकर के कोलेजन और इलास्टिन प्रोडक्शन की वजह से जो हमारी स्पीड कम हो गई थी उसको बेहतर करने में मदद करता है। मतलब कि कुल मिलाकर के कोलेजन और इलास्टिन की जो बनने की जो स्पीड थी उसको बढ़ा देता है। और जैसे जैसे कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन का प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसकी वजह से हमारी जो स्किन है वो बेहतरीन हमें यहाँ पर दिखाई देती है। अब इस ल्यूकेन नाम के एंजाइम के रिजल्ट्स को बढ़ाने के लिए हमें यहाँ पर एक और चीज ऐड करनी होती है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है बे लीफ। बे लीफ को हिंदी में तेज पत्र कहा जाता है या तेज पत्ता कहा जाता है, जो कि हम अपने घर में बिरयानी के अंदर या फिर बहुत सारी जो ग्रेवी वाली जो चीजें होती हैं, जो सब्जियां होती हैं, उसमें डालते हैं। इसे गरम मसाले के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। सो बे लीफ या हम तेज पत्ते की बात करें तो वो हमें लगभग 4 से 5 पत्ते यहां पर लेने हैं, जिसके छोटे छोटे टुकड़े बनाकर के, कतरन बनाकर के इसी पानी के अंदर हमें ऐड कर देना है।
ये बे लीफ जो होती है इसके अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि ल्यूकेन नाम के एंजाइम जो कि पंपकिन सीड्स के अंदर था उसके रिजल्ट्स को बूस्ट करने में, उसके रिजल्ट्स को एनहांस करने में हमारी मदद करते हैं। अब इन तीनों चीजों को हमें अच्छे से उबालना है, और उबालना तब तक है जब तक कि ये एक ग्लास पानी पिघल करके या इसको उड़ करके लगभग एक कप नहीं रह जाता। जब ये पानी एक कप रह जाएगा अब आपका ये टोनर बनकर के तैयार है। इसे आप अच्छे से छान लीजिए और छान करके एक बॉटल के अंदर फिल करके रख लीजिए। अब इस टोनर को आपको दिन में 3 बार अप्लाई करना है। सुबह जब आप फेस वॉश करते हैं उसके बाद में आप इसे अप्लाई कीजिए। आप इसे डायरेक्टली स्प्रे की मदद से भी लगा सकते हो या फिर आप इसे कॉटन की मदद से भी एज एन टोनर लगा सकते हो, और उसके बाद में जब ये ड्राई हो जाए आपकी स्किन पे लगने के बाद तो इसी के ऊपर मॉइस्चराइजर या सनस्क्रीन लगाना जरूरी है, तभी ये एवेपोरेट नहीं होगा और इस सनस्क्रीन या मॉइस्चराइजर की लेयर की वजह से आपकी जो स्किन है उसके अंदर ये काम कर पाएगा। जब भी सनस्क्रीन की बात आती है मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आपको स्किन अफेयर्स का ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 50 यूज करना चाहिए, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा SPF 50 है, एक ऐसा सनस्क्रीन है जो आपको बिना किसी चिपचिपाहट के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी काला किए हुए आपकी स्किन को, बिना ज्यादा ऑयली किए हुए आपकी स्किन को सन से 100% प्रोटेक्शन देता है। सो मेक श्योर कि आप इसे जरूर ट्राई करें। इसे परचेस करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और क्योंकि ये मेरा खुद का प्रोडक्ट है, ये मेरे खुद के ब्रांड का प्रोडक्ट है, मेरा खुद का फॉर्मुलेशन है, तो मैं आपको इसके लिए बहुत ही ज्यादा दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इसे ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली आप निराश नहीं होंगे। बिल्कुल इसी तरह से आपको इस टोनर को दिन में भी लगाना है ताकि आप पूरी तरह से बेहतरीन ढंग से अपनी स्किन के अंदर कॉलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ा सके। रात को जब आप फेस वॉश करके इस टोनर को लगाते हैं तो इसके बाद आपको मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए, सनस्क्रीन नहीं लगाना है। सो दोस्तों इस टोनर को आज ही अपने घर में बनाइए और जरूर यूज करना शुरू कीजिए। जब हम बात करते हैं टोनर को किस एज ग्रुप में लगाना चाहिए, तो 20 साल से ऊपर का किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति, महिला, पुरुष, बुजुर्ग, हरेक व्यक्ति इसे बहुत इजीली लगा सकता है। अब जब हम बात करते हैं इसे कितने दिन तक बना करके रख सकते हैं, तो इसे अगर आप बना करके बॉटल में भर के अगर रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो आप आराम से इसे 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। सो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए काम का हो सकता है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब का बटन दबा करके बेल के बटन को भी हिट कर दीजिएगा, और अगर आप हमें देख रहे हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पर तो हमें फॉलो जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों जाते जाते एक और जानकारी देना चाहूंगा कि 14 जून से लेकर के 26 जून तक हमने एक ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स ऑर्गेनाइज किया है जो कि है कलर थेरेपी के अंदर। किस तरह से आपके शरीर के अंदर होने वाली बीमारियों को आप अलग अलग रंगों के माध्यम से ठीक कर सकते हैं, अलग अलग रंगों की डाइट से ठीक कर सकते हैं, अलग अलग रंगों के स्टोन्स, कपड़े और बहुत सारी कलर थेरेपी के अंदर इस्तेमाल होने वाली जो टेक्निक्स हैं उनसे ठीक कर सकते हैं, ये सब कुछ मैं आपको इस क्लास के अंदर सिखाने। इस क्लास के अंदर आपको रोजाना Zoom एप्लीकेशन के माध्यम से 2 घंटे लाइव क्लास ज्वाइन करने को मिलेगी, और क्लास खत्म होने के बाद आपको हम सर्टिफिकेट यहां से बाय कुरियर भेजेंगे जो भी आप अपने एड्रेस प्रोवाइड कराएंगे उस पर। तो दोस्तों इसे रजिस्टर करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर पिन कमेंट के अंदर भी दे दूंगा, जिससे जहां से जाकर के आप इसे इजीली रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपका प्यार हमें इसी तरह से देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।